संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आज हम मखाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। गैस पे कढ़ाई रखेंगे और गैस की फ्लेम को तेज करेंगे। गैस पे कढ़ाई रख दी है, गैस की फ्लेम को तेज कर दिया है, कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। अब हम इसमें घी डालेंगे 1 चम्मच। गर्म हो गया, हमें इसे ज्यादा गर्म नहीं करना है। इसमें मखाना डालेंगे ये, और इसको सेंकेंगे इस तरीके से। मखाने सेक करके तैयार हो गए। ये देखिए कैसे आवाज आ रही है, इसका मतलब ये कुरकुरे हो चुके हैं। ज़्यादा इनको लाल नहीं करना है और एक प्लेट पे निकाल लेंगे। प्लेट पे मखाना हमने निकाल लिया है, चलिए आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। गैस को जला देंगे और ये दूध हमने आधा किलो दूध लिया है, इसे इसमें डाल देंगे और तेज फ्लेम कर देंगे, ताकि दूध में अच्छी उबाल आ जाए जल्दी। देखिए हमारे दूध में अच्छी उबाल आ गई है। अब हम इसमें अपने मखाने डालेंगे जो हमने सेक करके रखा था। इसको पीसेंगे नहीं, ऐसे ही डाल रहे हैं। अगर आप चाहें तो पीस भी सकते हैं इसको गाढ़ा करने के लिए। इसको पकाएंगे अच्छे से। ये इसको हल्का हल्का इस तरीके से अपने कच्छी से ही दबा देंगे। ये देखिए पकी हो गई, देखिए गाढ़ी भी हो गई है। अब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। शक्कर हमने 5 चम्मच लिया है, छोटे चम्मच में। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना मीठा खाते हैं उसके हिसाब से डाल सकते हैं। देखिए गाढ़ी हो गई है खीर, इसको इस तरीके से हम दबा देंगे। ये अच्छी गाढ़ी हो गई है। ये हम चिरौंजी दाना डाल रहे हैं, आप चाहे तो काजू बादाम या कुछ भी डाल सकते हैं। हम इसमें चिरौंजी डाल रहे हैं, जो भी आपके पास है ड्राई फ्रूट्स वो सब डाल सकते हैं, या नहीं भी डालें तो भी मखाना बस डालें, उसकी भी बहुत अच्छी खीर बनती है, बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए हमारी खीर बन करके तैयार हो गई है, हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए कितनी गाढ़ी हो गई। अगर आप चाहें इसको और दबा सकते हैं, लेकिन हम नहीं दबाएंगे, क्योंकि मखाने थोड़े खड़े खड़े रहे तो ही अच्छे लगते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अंत में इलायची पाउडर, जो हमने 4 इलायची ली थी उसको कूट करके पाउडर बना लिया है। इलायची पाउडर बाद में डालेंगे, ताकि इसकी खुशबू रहे अच्छी। ये हमारे मखाने की खीर तैयार है, इसे हमने सर्व कर दिया।